हरि ओम तत्सत् सत्यमेव जयते। सत्य ही धर्म है, सत्य की अंततः विजयी होती है, विजय होती है। जिसके पास सत्य होता है उसके पास अक्षय धन का खजाना होता है, उसकी सूखी रोटी में भी अमृत है, उसकी आवश्यकता भगवान श्री सत्यनारायण स्वयं पूरी करते हैं। यह कोई जो है किताब का लेख नहीं है बल्कि अनेकों हम सब के जीवन का अनुभव है। दुख सुख मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कहते हैं ना, सुख तो अपना, दुख तो अपना साथ ही है, सुख तो आती जाती है। तो ये जीवन है, अधिक सुख पाने की लालसा हमें असत्य की सहारा लेने के लिए विवश कर देता है कई बार। लेकिन सत्य में जो सुख है वह असत्य में कभी नहीं हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन एवं स्त्री सुख, अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी, एसी, शारीरिक सेवा, ये सब शारीरिक सुख है, तन की सुख है, मन का सुख ये नहीं है। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, बाणी से दंभ प्रकट करना, प्रवचन देना, गीत गाना और सुनना, ये सब वाचिक सुख है, वचनों का सुख है। तथा अपने सद्गुणों की चर्चा सुनना, अपनी संपत्ति का बैंक अकाउंट बार बार देखना, विशाल मकान एवं वैभव देखकर प्रमुदित होना, ये सब मानसिक सुख है। आज जरा विचार करें, देखें तो इसका हजार गुना सुख हमें सत्य से मिल सकता है। ये सारी क्षणिक सुख है। भोजन एवं स्त्री से मिलने वाले सुख में मान एवं प्रेम का महत्व है। सत्यवादी आदर के पात्र होते हैं निःसंदेह, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन दिया जाता है, उन्हें सिर्फ अपनी स्त्री से ही नहीं, अपने पत्नी से ही नहीं, सबों से प्यार मिलता है। स्त्री, पुरुष, अबाल, वृद्ध, बच्चे, सबों के लिए वे आंखों के तारा होते हैं। अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी आदि भौतिक सुखों का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो भाग्य से मिल जाता है उसी में वे सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे सत्यवादी होते हैं। उनके पास संतोष सबसे बड़ा धन होता है, कहते हैं ना, संतोषम परम धनम। इसलिए वे कभी भी उद्विग्न नहीं रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। जो शांत नहीं है वे सुखी कैसे हो सकता है। न शांतस्य कुतः सुखम, सत्यवादी को दूसरों की सेवा करने में सुख का अनुभव होता है। क्योंकि जीवन में उन्होंने दूसरों की सेवा की है, इसलिए जब उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है तो सेवा के लिए हजारों हाथ उठ जाते हैं। भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उनकी सेवा करते हैं, जैसे विद्यापति की सेवा उगना के रूप में आकर भगवान स्वयं शंकर ने की थी। सत्यवादी का धन सिर्फ भोग के लिए नहीं, दान के लिए भी होता है। असत्यवादी का धन सिर्फ वो धन बढ़ाने के लिए होता है, और इस बात को वह भूल जाता है कि धन हमेशा धर्म से आगे बढ़ता है। जिसे दूसरों को खिलाने के आनंद का स्वाद मिल गया है, उसे अपने खाने की कभी चिंता नहीं रहती। इसलिए सत्यवादी को जब सात्विक सुख का अनुभव होता है तब उसे भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए पहुंचे हुए संत दिगंबर वेश में भी आप देखिए, आए दिन देखते होंगे जैन मुनि को, दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं रहता है, लेकिन वो आनंद से, मस्ती से लबरेज रहते हैं। अधिकतर झूठ हम किसी कारण के, बिना किसी लाभ के बोलते हैं। अधिकतर झूठ, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। जिसके बोले बिना भी काम चल सकता है, ऐसे छोटे छोटे स्वभाववश बोलने वाले झूठ को तुरंत हम बंद कर दें। महाराज युधिष्ठिर हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला करते थे। सत्य से सुंदरता हमारी बढ़ती है। हम सुंदर बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, सौंदर्य प्रसादन इत्यादि का व्यवस्था करते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता भी है कि सिर्फ सत्य यदि हम बोलने लगे तो हमारी सुंदरता इन चीजों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मधुकर कमल के पराग से सुंदर हो जाता है, आप सबके लिए प्रिय हो जाएंगे। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम।
इस बात को बार बार विचार कीजिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हो या युधिष्ठिर हो, दधीची हो, शिवी हो आदि जितने भी महापुरुष हुए सत्य के बल से ही आज तक पूजे जाते हैं, समाज उनकी पूजा करता है। युधिष्ठिर सत्य के बल से ही पैदल स्वर्ग चले गए, अतः हम सभी उसी रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े सत्य ही मेरी मंजिल है, क्योंकि वही भगवान के वहीं से भगवान के दर्शन होंगे, सत्य से ही सत्य नारायण के दर्शन होंगे, सत्यमेव जयते। बात बात में वादा मत कीजिए, क्योंकि हर वादा कोई जरूरी नहीं है कि आप निभा पाएं, आप निभा दे बिना वादा किए, यही सच्चा प्रेम है। मैं तो यह काम कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, ठीक ना, क्योंकि अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए तो हमारी बाड़ी जो है असत्य हो जाएगी। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे प्राण दे करके भी पूरा करने की कोशिश कीजिए, तभी तो सत्य की आप रक्षा कर पाएंगे। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसका विचार करना चाहिए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, परंतु भीम और श्री कृष्ण आदि के कहने पर युधिष्ठिर ने कह दिया, क्या कह दिया, अश्वत्थामा हतः इति शब्द मुच्चेश्चार हा अव्यक्त मा ब्रवीद राजन हतः कुंचर इत्युत अश्वत्थामा हतः। यह शब्द तो उन्होंने उच्च स्वर में कहा, परंतु हाथी का वध हुआ यह बात धीरे से कही। तस्य पूर्व रथ पृक्ष व्यासच्युत रुंगल मुक्षित बुभेवयम च तेनोक्तम तस्य वाता स्प्रिंसन मिहमा। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही रथ के पहिए और घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। यह असत्य का ही परिणाम था। संसार के सारे धर्मों को एक पलड़े में रख दिया जाए और सत्य दूसरे पे, संसार के सारे धर्मों का जो है एक तरफ रख दिया जाए, तराजू के एक तरफ रख दिया जाए और सत्य को दूसरे तरफ, तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। कहते हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। सत्य का संग, संतों का संग, संत मतलब क्या, जिन्होंने सत्य को साध लिया है, जहां सारे समस्या का अंत हो जाए वही तो संत है। तो संतों के साथ रहने का, सत्य के साथ रहने का जो सुख है वो दुनिया के किसी भी सुख से बहुत ऊपर है। इसलिए ही सत्य से ही सत्य नारायण शब्द बना, और भगवान का दूसरा नाम भी सत्य नारायण है। जो सत्य से जितना दूर है वह भगवान से उतना ही दूर है, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ करता हो, सत्य का अभाव ही अज्ञान है और उसी से जीवन में अंधकार है। अतः मन वचन एवं कर्म से प्रत्येक साधक को सत्य व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकमात्र सत्य ही साकेत जाने का राजपथ है, यह राजपथ है, राजपथ है सत्यनारायण भगवान के पास जाने का। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने गुरु धर्म को पकड़ लीजिए, अपने गुरु को पकड़ लीजिए, आप किसी को मार्गदर्शक बना लीजिए, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो मार्गदर्शक श्रीमद् भगवत गीता को बना लीजिए, श्री कृष्ण को बना लीजिए, इससे बड़ा क्या हम बोल सकते हैं, सदाशिव को बना लीजिए, शंकर को बना लीजिए, देवों के देव महादेव को आप सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर उनको मान लीजिए, गुरु श्री कृष्ण को मान लीजिए, हनुमान जी महाराज को मान लीजिए, लेकिन किसी एक पर टिक जाइए, भटकते मत रहिए 33 करोड़ देवी देवताओं में, किसी एक पर टिकना जरूरी है। तो इस तरह से असत्य की से सत्य की ओर ले जाने के लिए ही हमारे पास जो है गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान सत्य है और संसार माया है, मोह है, झूठ है, ठीक वैसे ही जैसे हम दर्पण देखते हैं ना, दर्पण में आप दिख रहे हैं लेकिन आप हैं नहीं, आप तो इधर हैं, ये सत्य है वो असत्य है, सिर्फ भ्रम है कि हम भी वहां पे हैं लेकिन आप हैं नहीं। ये संसार है, ये माया है और ये परमात्मा है, मायापति भगवान है। इसलिए
सत्य की तरफ चलना है तो इस झूठ को छोड़ना पड़ेगा, इस भ्रम को, माया को, मोह को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब इसकी असरता को समझना पड़ेगा। जैसे खिलौने के मोहर से हम खेलते हैं लेकिन जानते हैं कि यह झूठ है, उसी तरह संसार का सब कुछ करते हुए यह जानना होगा कि यह असत्य है। यह असत्य के लिए हम सत्य, इस असत्य के लिए हम सत्य को नहीं छोड़ सकते। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले हमारे गुरु महाराज, हमारी ज्ञान, हमारे परमपिता परमात्मा। असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। असतो मा शदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अतः यह मेरा निश्चित मत है कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही शिव है, सत्य से सुंदर है इस सृष्टि में, सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात। सत्य बोले, प्रिय बोले, सबका दिल जीते और सत्य नारायण भगवान का जो है आशीष लेकर के उनके धाम में आप विराजे, यह सत्यमेव जयते। सत्य को पकड़ लिया तो जीवन की सारी सुंदरता, सारा सुख, समृद्धि, सौभाग्य यूं ही स्वयं चल करके आपके पास आ जाती है। हरि ओम तत्सत। इन्हीं चीजों को अपने जीवन में उतार करके और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।